एबीपीएस न्यूज़। गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पम्बासा में स्थित फतेहपुर उत्मा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर है। लगभग 5000 की आबादी व 1856 वोटरों द्वारा राम सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 450 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 80 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 16 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 4 हैंडपंपों को भी रिवोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व 30 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 4 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 90 इज्जत घरों का भी गांव में निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। राम सिंह फतेहपुर उत्मा से ग्राम निवास ये पमासा ब्लॉक पमासा से बोल रहा हूँ। मेरे गांव में पहले से बहुत ही कच्ची सड़क रास्ते थे, जो कि मैंने आज अपने गांव में सीसी टाइल और कुछ खरंजे मरम्मत वो करा दिए गए हैं। और जो भी मेरे यहाँ धन राज्य सरकार से जो धन आवंटन हुआ, मैं उसी को सभी को स्वीकार कर चुका हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले मेरी ग्राम पंचायत को, जो कि मैं आगे और आने वाले विकास और कच्चे घर रास्ते बहुत पड़े हुए हैं, जो कि उन को ठीक मरम्मत करा दी जाए। और ना ही मेरे यहाँ कोई अस्पताल है, ना कोई पंचायत घर है, और ये पानी का निकलने का ना कोई नाले का निर्माण है, नाला वाला कोई नहीं है। ग्राम पंचायत में नाले का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बरसात में पानी भराव हो जाता है, लोगों को बड़ी बड़ी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ कि जो आने वाले समय में आगे को मैं भी सही तरीके से और ईमानदारी से ही काम करता रहूँ, और मेरे ग्रामवासी सभी खुश रहें। जितना अच्छे से अच्छा काम करूँगा, और मेरे शौचालय भी आज मेरे यहाँ शौचालय भी कम से कम 90 शौचालय बन चुके हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा गांव ओडी हो। मैं मुकेश कुमार, ग्राम पंचायत फतेहपुर उत्मा से। पहले ये रास्ता देख रहे हैं आप, इसमें बहुत 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 गाढ़ होती थी, निकला नहीं जाता था, लेकिन अब बिना ये अच्छा हो गया है। इसमें सब मोहल्ले वालों को कोई परेशानी नहीं है, और ये हमारे प्रधान जी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, विकास हो रहा है हमारे गाँव में। पहले से मतलब ना कोई भेदभाव है, ना कुछ है, मतलब सब काम ठीक से चल रहा है, बहुत अच्छे से विकास हो रहा है। लाइटें लगी हैं, शौचालय का काम विस्तार से चल रहा है, और भी अभी और खनन जो होने बाकी हैं, अब इस सारे अच्छा विकास होगा। मैं मोहम्मद फहीम फतेहपुर उत्मा का रहने वाला हूं। हमारे ग्राम प्रधान जी ने जो फतेहपुर उत्मा में ये सड़क बनवाई है, पहले बहुत कीचड़ थी, इसमें जो इन्होंने ये सड़क करवा दी है, अब सब लोगों का समाधान सही हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है।